ये ड्रामा है, इनके लोग लड़ रहे हैं, कांग्रेस से कोई बायकॉट नहीं किया है, नेशनल कांग्रेस से गलती हुई है, नेशनल कांग्रेस और पीडीपी की मैं बात कर रहा था। नहीं, ये भी एक ड्रामा है कि नाटक है, ये भी समझौते के साथ, ये नेशनल कांग्रेस और पीडीपी थी जितने हुकूमत की, पहले पीडीपी कांग्रेस थी, मैं कांग्रेस का एमएलए भी रहा 77 में, कांग्रेस पीडीपी जो हुक्मरान पार्टी थी, अब बीजेपी भी शामिल है। जितना जुल्म हम पे सिर्फ कश्मीर नहीं जम्मू कश्मीर लद्दाख पे किया है, इतना किसी ने नहीं किया है, और आज भी ये लोग दिल्ली की चमचागिरी करके, दिल्ली के की हजूरी कर करके आज फिर जम्मू कश्मीर में अपना तसल्लत कायम रखना चाहते हैं, अपनी लूट जारी रखना चाहते हैं। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो एक्सपोज हो गई है, ये 35 के चक्कर में है, 35 के बारे में पहले क्यों नहीं बोली है, 35 1953 में लगा था, 1954 में 35 हिंदुस्तान के पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून नहीं था, ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था, वो एक प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस इशू किया था, और 35A इसलिए किया था कि जो हुक्मरान बने जम्मू कश्मीर। तो आप उसके स्टैंड में है, यू आर स्टैंड बाय द आर्टिकल 35 जो इन्होंने बताया कि मतलब यहाँ पर उसके साथ टिंकरिंग नहीं होनी चाहिए, आप भी उसी के साथ में। 35A जो है वो मेरी हथकड़ी की निशानी है, 35A मेरे गले में रस्सा है, तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों के गले में, 35A की वजह से मेरे इंसानी हकूक खत्म हो गए, 35A की वजह से मैं 15 MLA और MLC रहा और 8.5 जेल विदाउट ट्रायल, मैं खुद भीम सिंह। अगर उसमें टिंकरिंग की जाती है तो भीम सिंह का स्टैंड क्या रहेगा? 35A चला जाता है कश्मीर में, जम्मू में, पूरी रियासत में, सभी को इंसानी हकूक मिलेंगे, मुझे बोलने की आज़ादी होगी, मुझे तकरीर करने की आज़ादी होगी, मैं और मुझ पर दिल्ली अपनी हुकूमत नहीं छोड़ सकता है। आज जो हम पे डिक्टेटरशिप चल रही है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, धोखा हो रहा है, सिर्फ 35A से अपने एजेंट, दिल्ली वाले अपने एजेंट लगा देते हैं। तो आप चाहते हैं कि रहना चाहिए कि हटना चाहिए? 35 मेरे गले में रस्सा है, रहना चाहिए, मेरे मानवाधिकार इंसानी हकूक पर छापा है, 35A पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून नहीं है, 35A का 370 दफा से कोई रिश्ता नहीं है, ये तो राष्ट्रपति ने उस वक्त शेख अब्दुल्ला को जेल में रखने के लिए, शेख अब्दुल्ला साहब कैद थे, उनको जेल में नहीं रखा जा सकता था 3 महीने से ज़्यादा हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक, ये बनाया था 35A प्रेसिडेंट को कह के, ये प्रेसिडेंट का बना हुआ कानून 1954 से ख़त्म है, लेकिन चूँकि जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसानी हकूक से महरूम रखना चाहता है पूरा हिंदुस्तान, जो हिंदुस्तान की सरकारें हैं, और तो जम्मू में कुछ एसोसिएशन है या पार्टीज है जो चाहते हैं कि 35A जो है जो एजेंट हैं दिल्ली के, जो RSS के एजेंट हैं, वही चाहते हैं इसके साथ टिंकरिंग हो, उनके नहीं चाहते हैं, वो ड्रामा करते हैं, जो उन्होंने पटिशन लगा के रखी है, ये नहीं है कि 35A में अमेंडमेंट हो या न करा जाए, उसमें ये रखी है कि जम्मू हिंदुस्तान के लोगों को जो कश्मीर माने दो, हिंदुस्तान के लोगों को, यहाँ बिल्कुल गलत है, 35A जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसानी हकूक जो दिए गए हैं उनकी पामाली करता है। तो पैंथर्स पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेगी? अभी हमने जम्मू में पैंथर्स पार्टी हिस्सा ली है, जम्मू सुबह में, कश्मीर में कल हमारी मीटिंग थी, सब ने मृत्यु किया, हमने कहा जो लड़ना चाहता है लड़ सकता है, क्योंकि ये ना पार्लियामेंट की इलेक्शन है, ना असम्बली की है, ना यहाँ कानून बनने हैं, ये जम्मू कश्मीर गांव में रहने वाले लोगों की भलाई या डेवलपमेंट का सवाल है, या शहर के लोगों का। पैंथर पार्टी ने फैसला किया है कि जम्मू कश्मीर में जो भी हर जिला में पैंथर्स पार्टी फैसला करेगी वो हमें मंजूर है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना है कि भीम सिंह एक बयान देते हैं कश्मीर में और जम्मू में दूसरा बयान देते हैं। आपको बयान दे रहा हूँ, ये पूरी दुनिया में जाएगा, मेरा फलस्तीन में हो, इसराइल में हो, दिल्ली में हो, इस्लामाबाद में हो, कश्मीर में हो, भीम सिंह एक है, इंसान है, और मेरा एक ही बयान है, हक का इंसाफ, हक इंसाफ के लिए जंग होगी, कर्बला की लड़ाई होगी, इसलिए मैं यहाँ हूँ कश्मीर में आज।
लेकिन कश्मीर में तो करबला हर दिन होता है, यहाँ पर तो कल भी सिविलियन को मारा गया। तभी मैं बार बार कहा, मैं सिविलियन या अनसिविलियन किसी को मारने के हक में नहीं हूँ। हिंदुस्तान के आयन में कहा गया है, या इंदिरा गांधी के मर्डर थे, महात्मा गांधी के कातल थे, उनका भी तीन तीन साल ट्रायल हुआ, फिर फैसला हुआ इस अदालत का। तो आप इसलिए आप गोली से एक बच्चे को, नौजवान को उड़ा देते हैं। हम पैंथर्स पार्टी, जो भी कत्लेआम हो रहा है नौजवानों का, सिविलियन हो या अनसिविलियन हो, इंसान हम उनके खिलाफ है।